तो दोस्तों आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस समय लिथियम की कितनी ज्यादा डिमांड है और कितना ज्यादा यूजफुल है लिथियम। ये वही लिथियम है जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, जिससे कि बैटरीज बनाई जाती है, जिनका इस्तेमाल इस समय सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप ये कह दीजिए कि ये पेट्रोल का रिप्लेसमेंट बनेगा। लेकिन इस समय की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया लगभग चाइना के ऊपर निर्भर है। चाइना के पास लिथियम के कई सारे भंडार भरे पड़े हैं। एक तो उसने अपने खुद के यहाँ भी बहुत सारी जमीनें एक्सप्लोर की, वहां से लिथियम निकाले। इसी के साथ साथ दुनिया के कई सारे गरीब देशों को चाइना ने अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी इस तरह की खनिज संपदाएं अपने नाम करवा ली। आज स्थिति यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप 100 बैटरीज उठाएंगे लिथियम वाली, तो उसमें से लगभग 90 बैटरीज आपको चाइनीज मेड मिलेगी। कारण यही है कि चाइना के पास इस समय लिथियम का एकाधिकार चल रहा है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही कि चाइना का ये एकाधिकार बहुत जल्द समाप्त होने जा रहा है। जी हाँ, अभी कुछ ही महीनों पहले खबर निकल कर आई थी कि भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। और लिथियम के इस भंडार मिल जाने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिका का बर्ताव भी भारत के लिए कई मामलों में बदल गया था। इवन जब लिथियम की खोज नई नई हुई थी भारत के अंदर, उस समय अमेरिका द्वारा कई सारे ऑफिशियल्स भी फ्यूचर प्लानिंग के लिए भारत आए थे। अब ऐसी परिस्थिति में भारत को एक और इतना ही बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। जी हाँ, और इस भंडार के बारे में शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है कि जितनी भारत की रिक्वायरमेंट होगी, अब भारत की रिक्वायरमेंट तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद भारत की 80% रिक्वायरमेंट को अकेले ये नई मिली लिथियम की खान पूरा कर देगी। जी हाँ, दरअसल खबरें निकल कर आ रही है कि राजस्थान के अंदर भी जम्मू कश्मीर की तरह बहुत बड़े बड़े लिथियम के भंडार पाए गए हैं। और इसकी विशालता का आप अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में माइन मिली थी हमें, उसकी टोटल कैपेसिटी आकी गई थी 59 लाख टन के आसपास। लेकिन ये उससे भी ज्यादा बड़ी लिथियम की खान है। इवन भारत के अंदर अभी तक जितना भी लिथियम डिस्कवर किया गया है, उन सभी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में राजस्थान के अंदर पाया गया है। अब ये भारत के अंदर स्थिति कैसे चेंज करेगा, ये भी आप जान लीजिए। तो जो 2020-21 के आंकड़े निकल कर आए हैं, इस दौरान भारत ने करीब 6,000 करोड़ का लिथियम इम्पोर्ट किया है, जिसमें से 3,500 करोड़ का लिथियम अकेले चाइना से खरीदा गया है। अब आप सोचिए कि भारत का 3,500 करोड़ रुपए तो अकेले चाइना ही ले जाता है, और बाकी का आधा दुनिया के बाकी देशों से लिथियम खरीद में हम लोग खर्च कर देते हैं। तो ये सारा का सारा पैसा अकेले एक ही माइन से बच जाएगा, क्योंकि इस समय दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही लिथियम को डिस्कवर कर पाए हैं। ऐसी परिस्थिति में सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो चुकी है, और इस वजह से जिन देशों के पास लिथियम है वो अपनी मुंह मांगी कीमतों के आधार पर ही लिथियम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो सारी परेशानियां भारत के साथ अब नहीं रहेगी। अभी समय देशों के आधार पर अगर देखा जाए कि किसके पास लिथियम के ज्यादा भंडार भरे पड़े हैं, तो इसमें नंबर वन पर नाम आता है बोलीविया का, दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना का, फिर चिली, फिर चाइना और फिर अमेरिका जैसे देश। अगर नंबर वन वाले देश की बात की जाए, जिसका नाम बोलीविया है, तो रिसेंटली चाइना ने इसके साथ एक डील की है, और ये डील लगभग $1 बिलियन की है, जहां से चाइना माइनिंग करके 2.1 करोड़ टन लिथियम निकालने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना ने इस क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए अपने यहाँ पर तो बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन का काम किया और डिस्कवर किया ही किया, लेकिन जो दूसरे देशों में पाया जाता है उन्हें भी अपने अधीन लेने के लिए शुरुआत में ही इनको लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिए गए। अब ये भारत में 3 महीने के अंदर दूसरी बड़ी माइन निकलना, ये चाइना के एक अधिकार को समाप्त करने जैसा है, और चाइना को डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कतें होने जा रही है, क्योंकि अभी तक लिथियम की जो प्राइसेस है वो चाइना ही रेगुलेट करता था। लेकिन जब भारत के पास इतनी क्वांटिटी में लिथियम आ चुका है, तो डेफिनेटली प्राइसेस को रेगुलेट करने की क्षमता अब भारत के अंदर भी होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारी ज़रूरत का 80% क्रूड ऑयल विदेशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए। इन सारी चीज़ों पर लगाम लग जाएगी सडनली, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें भारत के अंदर काफ़ी कम हो जाएंगी। ऑब्वियसली लिथियम जो सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ाता था व्हीकल्स की, वो अब तो हमारे पास ही है। तो काफ़ी ज़्यादा कम कीमतों पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में अवेलेबल होंगे, जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर करने से हमें क्रूड ऑयल के इस्तेमाल से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो इसका एक्सपोर्ट होगा, उसकी पोटेंशियल को काउंट इस समय हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर भारत अभी और डिस्कवर कर रहा है। तो भारत के कई और राज्यों में इस तरह के लिथियम के भंडार डेफिनेटली मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भारत का एक माइनस पॉइंट भी है, और वो माइनस पॉइंट ये है कि लिथियम की माइंस तो हमें मिल चुकी है, लेकिन अभी इन्हें निकालना और इन्हें रिफाइन करना, ये दो चीज अभी भारत के बस में नहीं है। तो इसके लिए किसी फॉरेन पार्टनर को डेफिनेटली चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई होगी, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमें माइन मिली थी, उसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा।
लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा होगा कि चाइना की तरह हम भी इन खदानों से लिथियम को निकालने की सारी व्यवस्था खुद करें और बाद में उसे रिफाइन भी करें, ताकि किसी को भी रॉ लिथियम बेचने की जरूरत ना पड़े हमें। बाकी जब लिथियम को हम लोग पूरी तरह से माइन कर चुके होंगे, रिफाइन कर चुके होंगे और इसके इस्तेमाल की जब बारी आएगी, उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और भारत में एक बड़े स्केल पर इसको लेकर इकोसिस्टम ऑलरेडी बन चुका है, तो कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं जाएंगी। लेकिन रिफाइनिंग और माइनिंग के लिए अभी फिलहाल इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। बाकी खबर बहुत बड़ी है, इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।